हाय फ्रेंड्स वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस तो माय डियर फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी फाइव मिनट सीरीज में और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ टॉपिक है टॉपिक का नाम है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं तो फ्रेंड्स पेपर टू कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए हमारे पास फ्री स्नैपशॉट नोट्स अवेलेबल हैं स अवेलेबल है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है प्रैक्टिकल यूनिट्स का अलग से वीडियो कोर्स अवेलेबल है सारी यूनिट्स का फुल वीडियो कोर्स अवेलेबल है और इन सभी कोर्सेस का एक कंप्लीट कॉम्बो भी अवेलेबल है और पेपर वन जो कि जनरल पेपर है उसका भी मिनी कॉम्बो पैक जो है वो आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू से अवेल कर सकते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है हमारा ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है हेक्शर मॉडल से तो हेक्शर ऑल इन मॉडल उम्मीद करता हूं आप सभी जानते हैं इसके बारे में ये मॉडल कहता है कि जिस कंट्री में जॉनसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगा वो उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जुड़ी हुई चीजें ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी किसी कंट्री में लेबर ज्यादा है तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी किसी में कैपिटल ज्यादा है पैसे ज्यादा हैं तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स वो ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी ये फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी भी यहीं से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है बताया गया इफ देयर इज फ्री इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स द प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन डली गेट इक्वलाइज तो अगर तो फैक्टर फ्रीली मूवबल होते लेबर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकती है कैपिटल एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकती है तो इनके जो प्राइसेज होते वो इक्वल हो जाते But हमारे हेक्शर और ऑलिन ने तो माना था कि इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स नहीं है ये कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जा सकते अब यहां पे क्वेश्चन हुआ कि फिर इनके प्राइसेस जो उन उनपे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का प्राइसेस तो तो पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला, वाला है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का तो हेक्सर ऑल इन से ही जुड़ा हुआ ये हमारा एक कंसेप्ट है चलिए तो यहां पर बताया गया कि ये जो मॉडल है ये कहता है कि जो कंट्री लेबर अबंडेंट होगी वो स्पेशलाइज करेगी लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करने में जैसा मैं आपको पहले समझा रहा था ऐसा क्यों होगा क्योंकि वहां पे लेबर जो है वो चीप है और जिस कंट्री में कैपिटल ज्यादा होगी वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी क्योंकि वहां पे कैपिटल सस्ता है तो अब यहां पे बताया गया कि इंटरनेशनल ट्रेड जब होगा उस कॉमोडिटी का जैसे आपके पास लेबर ज्यादा है और आप लेबर से कुछ बना रहे हैं मान लीजिए आप लेबर को यूज करके कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं आप लेबर को यूज करके और अब आप उसे यूज करके दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में उस चीज की डिमांड होगी और अगर दूसरी कंट्री में उस चीज की डिमांड होगी तो आप उस डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट जो है वो बनाएंगे और उसके लिए आपको ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी और एक टाइम आएगा कि लेबर जो आपको एक टाइम पे बहुत ज्यादा लग रही थी अबंड लग रही थी वो आपकी स्कार्स होनी शुरू हो जाएगी वो आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी और उसके प्राइस जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे आप डिमांड पूरी करेंगे जैसे जैसे वैसे वैसे आप देखेंगे कि मुझे लेबर की जरूरत ज्यादा पड़ रही है इतनी लेबर है नहीं जितनी जरूरत पड़ रही है और प्राइस लेबर के अकॉर्डिंगली अब बढ़ने शुरू हो जाएंगे चलिए ऐसे ही अगर हम इंपोर्ट की प्रस्पेक्टिव से भी बात करें तो अगर आप कॉमोडिटी का इम्पोर्ट कर रहे हैं आपके यहां पे कैपिटल काम थी आपके खुद के यहां पे मान लीजिए कोई मशीन वगैरह जो रिक्वायर्ड थी वो मशीन आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कैपिटल कम है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड था अब वो मशीन आपने बाहर से इंपोर्ट करनी शुरू कर दी जब वो मशीन बाहर से इंपोर्ट हो गई तो उस मशीन की सप्लाई आपके यहाँ पे बढ़ जाएगी जब वो मशीन की यहाँ पे सप्लाई काफी ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे आपको जो आपकी कैपिटल कम है वो भी कहीं ना कहीं सफिशियंट ही नजर आने लगेगी पहले तो कैपिटल के दाम बहुत ज्यादा होते थे क्योंकि कैपिटल कम है अब क्योंकि बाहर बाहर से 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 भी गुड्स गुड्स बनकर आ रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव हमारे पास आसानी मिल रहे हैं तो यहाँ की जो कैपिटल है उसका प्राइस भी जो पहले ज्यादा हुआ करता था वो कम हो जाएगा तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि हमारा जो लेबर था जिसका प्राइस कम होता था वो बढ़ गया जैसा हमने लास्ट साइड पे देखा और कैपिटल जो था उसका प्राइस हमारे पास ज्यादा होता था वो कम हो गया तो अल्टीमेटली कहा गया कि इन दोनों के प्राइसेस में इक्वालिटी आ जाएगी हमारे लेबर और कैपिटल दोनों का जो दाम है वो कहीं ना कहीं बराबर हो जाएगा तो बताया गया इन दिस सेंस फ्री इंटरनेशनल ट्रेड इन कॉमोडिटीज एक्ट एजस्टीट्यूट फॉर द इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स तो हेक्शर ऑलिन ने ये तो मान लिया कि इंटरनेशनल जो हमारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के वो मोबाइल नहीं है बट फ्री ट्रेड जब आपने अलाउ कर दी तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली

तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर से लाइक करना हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना तो आपकी कोई क्वेरी है आप हमें मेल कर सकते हैं हमें अपडेट्स के लिए फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं ये नंबर आपको यहाँ पे दिया है और साथ ही साथ जो हमारी फ्री लर्निंग ऐप है एवर स्टडी क्लासेज की एंड्रॉइड ऐप आप, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन्स पे उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और बाकी सभी डिटेल्स के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट एवर स्टडी डॉट को डॉट इन वहां भी विजिट कर सकते हैं थैंक यू टेक केयर